नमो भारत ट्रेन जो शुरू हुई है वो मेट्रो से कितना अलग है। आप किसी को पिकअप एंड ड्रॉप किए, आए और गए, फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर दो तरह के कोचेज हैं, एक स्टैंडर्ड है, एक प्रीमियम है। मेट्रो में सिर्फ एक ही तरह का कोच है। सामान रखने के लिए जगह है जबकि मेट्रो में नहीं है। मेट्रो के एक कोच में जो सिटिंग कैपेसिटी है वो है 50 लोगों की है, जबकि नमो भारत ट्रेन में 72 लोगों की है। तो वेंडिंग मशीन से बड़ा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अटेंडेंट है, मेट्रो में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है, ये फैसिलिटी सिर्फ इन्होंने प्रीमियम कोचेस में रखी। 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। विल इंडिया विन, और हम भी पूछ रहे हैं विल इंडिया। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि भारत की पहली रैपिड रेल ट्रांजिट सर्विस यानी रैपिड एक्स ट्रेन, नमो भारत ट्रेन जो शुरू हुई है वो मेट्रो से कितना अलग है, क्या फर्क है? ये आज हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, क्योंकि मेरा भी ये मन था कि आखिर जाने कि जो नई हमने उपलब्धि हासिल की है वो पुरानी उपलब्धि से कितनी अलग है। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दरअसल नमो भारत ट्रेन की जो शुरुआत हुई है वो हुई है साहिबाबाद स्टेशन से। वैसे तो ये रेल लाइन जो शुरू होगी वो जंगपुरा यानी सरायकाले खां से शुरू होगी और मेरठ तक जाएगी, लेकिन अब जो चली है ये शुरुआत हुई है साहिबाबाद से लेकर और ये जाती है दुहाई डिपो तक। तो आज हम यहाँ पे हैं साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर हैं और हम चलते हैं, लेकिन हम अंतर आपको बताते चलेंगे कि क्या अंतर है। सबसे पहला जो अंतर है वो ये है पार्किंग का। आप देख सकते हैं इस तरफ पार्किंग की बहुत सारी फैसिलिटी है। आप मेट्रो में सफर किया होगा, आपने देखा होगा कि कुछ गिने चुने ही मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जहां पर पार्किंग की प्रॉपर है। आप जब भी जाओगे आपको देखना पड़ता है कि स्टेशन पे पार्किंग है या नहीं है, लेकिन यहां पर आपको इस तरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टेशन हैं अब तक 4-5 बने हैं, सब में ये देखिए एक पोर्शन है ये जहां पार्किंग का है, ऐसे ऐसे दो इस तरफ हैं, एक यहां पे, एक इसके आगे और एक दो उस साइड में, यानी 4-4 पार्किंग है यहां पे। तो आई थिंक पार्किंग की समस्या नहीं होने वाली। आप देखिए पार्किंग की अगर बात आती है तो मन में आता है कि पार्किंग के रेट्स क्या हैं। आइए हम आपको बताते हैं, ये जितने भी स्टेशन हैं रैपिड एक्स के सब पे लागू होता है। आप अगर शुरू के 10 मिनट आ रहे हैं या किसी को पिकअप करने आ रहे हैं या ड्रॉप करने के लिए आ रहे हैं तो बाइसिकल फ्री है, टू व्हीलर वो भी फ्री है और जो कार आपकी एसयूवी है वो भी फ्री है। यानी कि आप किसी को पिकअप एंड ड्रॉप किए, आए और गए, फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर 10 मिनट से लेकर 6 घंटे तक अगर अमूमन यही टाइम रहता है, अगर आप कहीं आ जा रहे हैं तो साइकिल के 5 लगेंगे, टू व्हीलर्स के 10 रुपये लगेंगे और कार के लगेंगे 25 रुपये 6 घंटे के लिए। लेकिन अगर इसको हम करें कि अगर 12 घंटे, जैसे मोस्टली ऑफिस जाते हैं लोग बाग, अगर इस तरह का यूज़ करेंगे, साइकिल के तो 5 ही रहेंगे, टू व्हीलर्स के 10 से 25 हो जाते हैं और कार के हो जाएंगे 50 रुपये। और देख सकते हैं पार्किंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अब आइए लेके चलते हैं और आपको अंदर लेके चलते हैं स्टेशन पे कि वहाँ क्या माहौल है। आइए, सो ये है स्टेशन का एंट्रेंस। आमतौर पर आपने देखा होगा इसके भी 4 द्वार हैं, जैसे मेट्रो में भी 4 हैं, तो यहाँ पे एक सिमिलरिटी है कि जैसे वहाँ पे भी अमूमन हर मेट्रो स्टेशन में आपको 4 गेट मिलते हैं, यहाँ पे भी 4 गेट है, ये एक सिमिलरिटी है। अभी हमने टिकट ले लिया है, आइए आपको थोड़ा टिकट के बारे में बताते हैं। मेट्रो के टिकट के मुकाबले थोड़ा सा कॉस्टली है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कंक्लूजन तो ये निकलता है जो मेट्रो के टिकट हैं, लेकिन जो इसके टिकट हैं वो थोड़ा महंगे। कितने महंगे हैं आइए बताते हैं। देखिए हम साहिबाबाद में हैं, अगर आप खाली स्टेशन घूमना चाहते हैं या यहीं पर उतरना चाहते हैं उसके हैं 20 रुपये। उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे गाज़ियाबाद के 30 हैं। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो तरह के कोचेज हैं, एक स्टैंडर्ड है, एक प्रीमियम है। मेट्रो में सिर्फ एक ही तरह का कोच है, यहाँ पर दो तरह के कोच हैं, जो स्टैंडर्ड है उसके टिकट हैं। यहाँ से गाज़ियाबाद का 30 है, गुलधर का 30 है और दुहाई के 40 हैं, और जबकि लास्ट स्टॉपेज जो है दुहाई डिपो उसके 50 हैं। लेकिन अगर प्रीमियम है तो वहीं पर ये डबल हो जाता है, मतलब 30 का 60 हो जाता है, 40 का 80 हो जाता है और 50 का 100 रुपये हो जाता है। तो दूसरी बात तो ये है कि मेट्रो से यहाँ के जो टिकट हैं वो थोड़ा कॉस्टली है।
टिकट हमने ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम स्टैंडर्ड में जा रहे हैं क्योंकि आपको स्टैंडर्ड कोच दिखाएंगे, आती दफ़े हम लोग प्रीमियम कोच आपको दिखाएंगे। सो आइए चलते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है और इस ट्रेन को नाम दिया है नमो भारत ट्रेन। सो ये एक उपलब्धि है। ये एंट्रेंस है नॉर्मली, और यहाँ पे इस तरह के टिकट वेंडिंग मशीन भी है। ये दूसरी तरफ से रास्ता आ रहा है, और अगर आप देखें तो ये है सिक्योरिटी अरेंजमेंट। सो अभी हम सिक्योरिटी चेक करते हैं और उसके बाद फिर लेते हैं। सो टिकट लेने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो स्कैनर है, अमूमन इसमें भी आप बार कोड टाइप है जिसको ऐसे ही स्कैन करेंगे, दरवाज़ा खुल जाएगा, खुल जाए सिम सिम, तो हम यहाँ पे अंदर आएंगे। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा स्मूथली है, यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया गया है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। और वैसे अगर आप देखें तब तक कि स्टेशन अच्छा है, नॉर्मली जैसा होते हैं सभी मेट्रो भी है, हालांकि थोड़ा अपग्रेडेड है, लेकिन एक ये बड़ा यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी तरह समझाया है, आइए इस पर ध्यान देते हैं। इस वक्त हम हैं नमो भारत ट्रेन के स्टैंडर्ड कोच में। आप देख सकते हैं जो इन्होंने बनाया है वो ये स्टैंडर्ड कोच है और ये प्रीमियम कोच है। यहां पर इन्होंने ये रखा है कि जो रैपिड ट्रेन रहेगी उसमें 6 कोच रहेंगे, जिसमें 5 स्टैंडर्ड रहेंगे और एक प्रीमियम रहेगा। सो अभी हम पहले सवारी करते हैं स्टैंडर्ड कोच की, क्योंकि जो भारत की आम जनता है वो इसी से जुड़ी रहती है। क्या क्या फैसिलिटी दी है वो हम आपको बताएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी अनाउंसमेंट हो चुका है और रैपिड ट्रेन हमारी, नमो भारत ट्रेन हमारी चलने की तैयारी में है। आइए तब तक आपको कुछ बताते हैं क्या क्या डिफरेंसेस। सबसे पहला तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं सीट का, वहाँ पर जो सीट है वो साइड साइड में है और यहाँ पर कंफर्टेबल है। आप ये कह सकते हैं कि जो मेट्रो की, दिल्ली मेट्रो की जो एयरपोर्ट वाली लाइन है वहाँ पर कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इतनी स्पेसियस नहीं होती। सो मेट्रो की सीट और इसकी सीट टोटली अलग है। दूसरा, उसके बाद बात करें तो यहाँ के हर कोच में, ये तो स्टैंडर्ड है, प्रीमियम में बाद में दिखाएंगे, स्टैंडर्ड कोच में भी सामान रखने के लिए जगह है, जबकि मेट्रो में नहीं है। और इस वक्त हमारी ये रैपिड जल्दी है। सो चलते चलते बात करते हैं। सो एक तो लगेज रखने की प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मेट्रो में अधिकतर रहती थी, वो यहाँ पे थोड़ा सुकूनदायक है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि हर सीट के पास में चार्जिंग पॉइंट दिए हैं, ये USB पॉइंट है, तो अमूमन आपका कोई भी कंपनी का लैपटॉप या मोबाइल हो तो उसके चार्जिंग की फैसिलिटी सही रहती है। और इस वक्त हम लोग साहिबाबाद से चले हैं, गाजियाबाद के लिए निकले हैं। मेट्रो के एक कोच में जो सिटिंग कैपेसिटी है वो है 50 लोगों की है, जबकि इस नमो भारत ट्रेन में जो बैठने की कैपेसिटी है वो 72 लोगों की है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत बड़ा अंतर है। मेट्रो के जो स्टेशन बनाए हैं एवरेज कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 1 से 2 किलोमीटर के अंदर आपका मेट्रो का स्टेशन आ जाता है। लेकिन रैपिड ट्रेन में जैसे साहिबाबाद से चले थे, उसके बाद अब गाजियाबाद आ रहा है, तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो 4 से 5 किलोमीटर की है, यानी कि जो डिस्टेंस कवर करती है रैपिड ट्रेन वो ज्यादा करती है। फिलहाल अभी ये गाजियाबाद है और ये हिंडन नदी है, आप देख सकते हैं, और इसके बाद बस आने ही वाला है गाजियाबाद स्टेशन। एक जो यहाँ पर और आप मान सकते हैं वो देखिए, जब मेट्रो चलती है ना तो बड़ी जिगजैग करती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के आपके दरवाजों के बीच में जो बनाया गया है, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं यहाँ हूँ तो ज़्यादा हिलडुल भी नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन कंफर्टेबल है उसमें। हालांकि कई बार कर्व ऐसे आते थे कि वो थोड़ा ड्रामेटिक लगता था। साहिबाबाद, गाजियाबाद, और अब एक तरह से GPS टैग मान सकते हैं कि वो धीरे धीरे ट्रेन बढ़ रही है गुलधर दुहाई डिपो तक।
इसके अलावा ये तो डिस्प्ले है ही, ये और डिस्प्ले है जो आसानी से उसी चीज को समझाता है। दूसरा, अगर हम इस स्टैंडर्ड कोच की बात करें तो यहाँ पर जो आपको ये हैंडल मिलता है हाथ रखने के लिए, ये आगे पीछे हो सकता है, नॉर्मल क्वालिटी है। अगर ज़्यादा नहीं है तो आप इसको थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से देख सकते हैं। हैंडल दिया है सब में, और एक बात, जो सीट है वो स्पेसियस एक्चुअली इसलिए लग रही है, आप देख रहे होंगे कि नीचे वो नहीं है जैसे टिपिकल होता था, सो एकदम स्पेसियस सी जगह लगती है आपको। उसके बाद दो अंतर और हैं जो मेट्रो में और नमो भारत ट्रेन में है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहला ये है कि अमूमन मेट्रो की जो सर्विस है, फ्रीक्वेंसी है, वो लगभग 6 से 7 मिनट कहीं पे चलती है, 8-9 मिनट कहीं रूट पे हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियली इन्होंने बोला है वो 15 मिनट के बाद फ्रीक्वेंसी है। और अब ये जो मेट्रो है ये मेरठ वाला रूट वो आगे जा रहा है, लेकिन हम दुहाई डिपो की तरफ जा रहे हैं। आप अगर देख पा रहे हैं तो ये जो है ये ईस्टर्नल पेरिफेरल हाईवे है जो दिल्ली के चारों तरफ है और उधर बागपत तक जाता है, इधर गाजियाबाद जाता है, तो यहाँ से ये टर्न हो गया। ये जो जा रहा है ये दुहाई डिपो की तरफ जाएंगे, और अगर आप देखें दोनों तरफ तो उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सारा, मतलब अब गाजियाबाद से हट के ये दुहाई डिपो की तरफ जा रहा है। सो अब दुहाई डिपो हम उतर चुके हैं, और ये दरअसल इस तरह का बनाया गया है कि इस तरफ भी ट्रेन है और इस तरफ भी ट्रेन है, और बीच में ये प्लेटफॉर्म है। सो अब दुहाई डिपो बाहर चल के देखते हैं कि क्या किस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ। एक और है कि जो भी प्लेटफॉर्म है मेट्रो के, वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, आप अपने अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किस तरह का, यूँ कहिए कि एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी देने की कोशिश की है। पानी का अमूमन यहाँ पे रखा है, पानी की बोतल भर सकते हैं आप, बच्चे हैं, और अगर आप चाहें तो इसको, हालांकि टेक्नोलॉजी गलत है लेकिन फिर भी ये फैसिलिटी है यहाँ पर। सो अब हम दुहाई स्टेशन पे आ चुके हैं और ये हमने स्कैन किया है, अब बाहर भी हम आ चुके हैं। दुहाई का स्टेशन है, डेकोरेटेड है क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं है, उद्घाटन हुए हुए, सेम बिल्कुल इसी तरह का परफॉर्मा है। टिकट वेंडिंग मशीन भी है, टिकट काउंटर भी है, और कार्ड भी जो आप चाहें ले सकते हैं। जो दुहाई डिपो स्टेशन है, दरअसल यहाँ पे कोई ज़्यादा बसावट नहीं है, लेकिन चूंकि इन लोगों का खुद गोडाउन है, स्टोरेज है, एक तरह से इनका ठहरने की जगह भी है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमूमन आरा सारा खुला हुआ है, लेकिन उधर पार्किंग की फैसिलिटी है, चारों तरफ खुला हुआ भी है, पार्किंग की फैसिलिटी भी पीछे ही है। सो ये था हमारा यहाँ पे दुहाई तक का सफ़र जो हमने स्टैंडर्ड कोच में किया। अब इसके बाद वापस चलते हैं साहिबाबाद और प्रीमियम कोच में चलेंगे, और वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या अंतर है प्रीमियम कोच में। सो आइए चलते हैं। इस वक्त हम हैं टिकट वेंडिंग मशीन में और टिकट लेना जा रहे हैं हम लोग। पहली बार हमने काउंटर से लिया, यहाँ इस बार ऐसे लेते हैं, प्रीमियम कोच का लेते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप आएँ और देखें कैसे लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर ये जो टिकट है, बाई टिकट या NMG, हम तो बाई टिकट कर रहे हैं, हमने बाई पे किया। उसके बाद पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड है या प्रीमियम, हमने प्रीमियम किया। उसके बाद पूछ रहे हैं कहाँ जाना है, तो हमने A3 सेलेक्ट किया। अब फिर भी ऑप्शन आता है यहाँ पे कि दुहाई, गुलधर, तो सबके टिकट रेट यहाँ पे पता है, 40, 60, 60 और 100। तो साहिबाबाद का हमने सेलेक्ट किया, सिंगल जर्नी। उसके बाद पैसेंजर इसमें डाल दिया। इसके बाद है देखिए, बैंक कार्ड है, UPI है, या इंसर्ट बैंक नोट्स, यानी कैश भी आप ले सकते हैं, तो हम इसको प्रेस करते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि कौन से नोट हैं, तो हमने 100 का प्रेस किया। आपने देखा हो ये इंडिकेशन यहाँ पे आ गया, तो अब हम इसको डालना शुरू करते हैं। खींच लिया अब इन्होंने खींच लिया, हालांकि प्लीज़ कलेक्ट योर टिकट एंड चेंजेस, और ये हमें टिकट यहाँ पे मिल गया। सो वेंडिंग मशीन से बड़ा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये है स्टैंडर्ड लाउंज, और ये है प्रीमियम लाउंज के लिए अलग से स्पेस बनाया हुआ है, चूँकि इस बार हमने प्रीमियम का टिकट लिया है। सो वही लिया और एंट्री कर गए। ये इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि जो ट्रेन आएगी, देखिए साहिबाबाद से आए तो सबसे पहले वाला था, लेकिन जब यहाँ पे दुहाई में आए तो वही कोच सबसे पीछे वाला होगा। सो पीछे वाला प्रीमियम कोच होगा। अगर आप यहाँ पर देखें, चूंकि जो प्रीमियम लाउंज बोलते हैं वो ऐसे कि उन्होंने साहिबाबाद में बनाई है, जब वहाँ उतरेंगे तब दिखाएंगे, पर यहाँ पे एक तो थोड़ा बैठने का सिस्टम, सीट थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर है। सो नॉर्मली एक अलग से स्पेस बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से ही आप जब आएंगे तो प्रीमियम कोच में आप यहीं से एंट्री करेंगे।
सो ये है प्रीमियम लाउंज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है और यहीं से एंट्री होती है। आइए सो ये पूरा प्रीमियम कोच है इनका और इसमें प्रीमियम लाउंज से ही एंट्री होती है और क्या क्या अंतर हैं वो हम आपको बताते हैं। एक और जो अंतर नॉर्मली प्रीमियम कोच में है या यूं कहिए कि मेट्रो में है वो ये है कि एक तो जो अटेंडेंट है, जैसे आप देखा है कि मैम यहाँ पर है, यहाँ के हर कोच में स्पेशली प्रीमियम में भी है और जो स्टैंडर्ड में है, क्योंकि अभी रश कम चल रहा है तो थोड़ा वो शॉर्ट हो है, अदरवाइज यहाँ पे अटेंडेंट है। मेट्रो में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। एक और सिर्फ प्रीमियम में है, ओके ओके, मैम बता रही हैं कि सिर्फ प्रीमियम में अटेंडेंट है, जो नॉर्मल है उनमें अटेंडेंट नहीं है। मैम मुझे एक बात बताइए, जो ये मशीन बोल रहे थे कि खाने पीने का है, क्या है यहाँ पे, प्लीज थोड़ा बता देंगे कैसे क्या सिस्टम होने वाला है मैम? आप जैसे देख रहे हो उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और स्कैनर है, इसमें स्कैन करेंगे आपको जो आइटम निकालना है, जैसे इसमें 1-1 लिखा है तो 1-1 डालेंगे, उसका अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसके बाद स्कैन करने के बाद आप उसमें मतलब UPI से या पेमेंट कर सकते हैं। सेम आपके यहाँ पर नहीं, आगे जो प्लेटफॉर्म पे स्टेशन मतलब स्टेशन पे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको वेंडिंग मशीन मिलेगी अगर आपने प्रीमियम लाउंज का टिकट। तो ये जो फैसिलिटी है ये वाली जो आगे सिर्फ प्रीमियम कोचेस में ही रहेगी और सो एक जो स्टेशन पे भी प्रीमियम लाउंज में रहेगी, प्रीमियम लाउंज में ही रहेगी। सो साहिबाबाद में है मैम प्रीमियम लाउंज? साहिबाबाद गाजियाबाद बुलदर, ओके वहाँ पर है, तो वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। एक जो अंतर है, जैसे कि आपने उसमें देखा होगा स्टैंडर्ड कोच में चार्जिंग पॉइंट जो था वो USB था, लेकिन इसमें नॉर्मल जो स्विचेज होते हैं हम आमतौर पर घरों में यूज करते हैं वो भी है। एक दूसरा जो अंतर है यहाँ के सीट्स में वो बताते हैं। एक तो जैसे कि आप नॉर्मली पैरों के लिए ये अरेंजमेंट किया हुआ है कि आप पैर अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा ये जो हैंडल है इसमें जैसे आप एयरपोर्ट में आपने ट्रैवल किया होगा कि सीट आगे पीछे कर सकते हैं, सो वो फैसिलिटी भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अमूमन इसको प्रेस करके हम सीट पीछे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्टेबल हो सकता है। स्टैंडर्ड कोच में ये फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो सीट्स हैं यहाँ पे, सीट्स पे ये आप कोई बुक्स वगैरह या कुछ भी रख सकते हैं सामान यहाँ पर, बोटल्स इस पे 5 kg का बोला गया है कि 5 kg तक का आइटम आप लटका सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो सीट्स बनाई गई हैं इवन हुक भी है, आप कुछ पोलिस बैग थैला वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रीमियम कोच में जो सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो एरोप्लेन में होती हैं सीट्स उससे मिलते जुलती है, हालांकि कलर थोड़ा चेंज है लेकिन बात वही है। जो प्रीमियम कोचेज हैं उनमें भी सेम सामान रखने की काफ़ी जगह है, पूरी कोचेज में स्टैंडर्ड हो या प्रीमियम हो हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है। हालांकि अभी परमिशन है लेकिन अगर लोग थोड़े सभ्य नहीं हुए तो शायद बैन लग सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रीमियम कोचेज में एक फैसिलिटी बहुत और अच्छी दी गई है जो आपको अच्छी लगने वाली है। सपोज आपको धूप लग रही है तो ये आपके लिए फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी सिर्फ इन्होंने प्रीमियम कोचेज में रखी है, स्टैंडर्ड कोचेज में नहीं रखी है। जैसे अभी ट्रेन जो साहिबाबाद और गाजियाबाद के बीच में है और आप देख सकते हैं जो स्पीड है वो अभी 98 किलोमीटर है। मेट्रो की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर मैक्सिमम मानी जाती है, इसकी 180 है, लेकिन अगर अभी चेक करें हम तो अभी भी ये 100 के करीब क्रॉस कर चुकी है। जो यहाँ पे बोला गया है वो 180 मैक्सिमम है, सो कहीं ना कहीं 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। और अब हम साहिबाबाद स्टेशन उतरने वाले हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन आई है कि नमो भारत फीडर बस सेवा इस स्टेशन पर उपलब्ध है, यानी कि जो यहाँ पर बस सर्विस चली है वो साहिबाबाद में अवेलेबल है और ये मैसेज आपको पहले ही आ जाता है। अब बस हम पहुँच चुके हैं साहिबाबाद के स्टेशन पर और इस बार हम प्रीमियम लाउंज में उतरेंगे, सो देखते हैं क्या खास है। और जैसा कि है कि बटन प्रेस करेंगे तब ये खुलेगी, खुल जा सिम सिम। तो इस तरीके से हम वापस आ गए हैं साहिबाबाद में और साहिबाबाद में ये है प्रीमियम लाउंज, क्या क्या फैसिलिटी है आमतौर पर आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप, हालांकि इतना टाइम नहीं मिलने वाला क्योंकि सिर्फ 10 से 15 मिनट आपका वेटिंग है, लेकिन फिर भी कुछ मैगजीन्स हैं यहाँ पर, आप अपनी पसंद के हिसाब से पढ़ सकते हैं। बैठने की व्यवस्था है, थोड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, और अगर
देखा जाए तो यहाँ पर वो है जिसका जिक्र हो रहा था कि ये ट्रेन में भी मिलता है। तो आइए इसका सुविधा का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर एंटर करना है जो भी कोड लिखा हुआ है, 56 कोड है। अब जैसे आया तो यहाँ पर इसका अमाउंट लिख के आ जाता है कितना है। अब उसके बाद में आप UPI के थ्रू, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे नॉर्मल स्कैन होके आ गया और हमने स्कैन किया, ये हमारे इसमें आ गया। और जैसे ही हम इसको पेमेंट करेंगे, और देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब देखते हैं कितनी जल्दी ये सॉफ्ट ड्रिंक निकालता है। सॉफ्ट ड्रिंक निकल गया और आपकी ये मनचाही सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ से निकल सकती है। विल इंडिया विन, और हम भी पूछ रहे हैं विल इंडिया विन। सो आज हम यहाँ पे आए और हमने कुछ अंतर आपको बताए। मेन मकसद हमारा ये था कि हम आपको दिखा सकें कि इसकी जर्नी कैसी है। जर्नी बहुत अच्छी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो बस अपना साथ यूँ ही बनाए रखिए। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।